यार देखो, अगर हम रैंक पुशिंग की बात करते हैं ना, तो भाई वहाँ पे ना कैरेक्टर कॉम्बिनेशन फटाक से कूद जाता है बीच में, क्योंकि भाई ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है हमारे रैंक पुशिंग में। तो यार देखो, अगर आप बिना कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के सीधे आप रैंक पुशिंग करने चले जाते हो तो भाई आपका माइनस लगेगा ही लगेगा, एंड फिर आप मेरे को कमेंट में बोलोगे भाई क्या यार माइनस लग रहा है। तो यार देखो, इसीलिए बता रहा हूँ कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। बट अब बात करते हैं कि भाई कैरेक्टर कॉम्बिनेशन कौन कौन से लगाने हैं। तो यार देखो, ये तीन टाइप का आपको कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ, ठीक है? तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर से देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये तीनों कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, एंड इस सीजन आप इन तीनों कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के अलावा कोई भी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज ही नहीं करोगे। ऐसे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आज के इस वीडियो में लाया हूँ, ठीक है? एंड ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा आप सभी को, और बस सिंपली से वीडियो देखो। चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बट वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, हाँ कर देना ध्यान से। चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अब पहला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जो बताने वाला था वो लॉन्ग रेंज से रिलेटेड था, मतलब कि ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आपको लॉन्ग रेंज में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो यार इसके लिए क्या करना है, तुम्हें लॉन्ग रेंज कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को लगाना पड़ेगा। लेकिन भाई कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं हमें क्या पता, लेकिन मैं हूं ना बताने के लिए, तो ध्यान से सुनना, ठीक है? सबसे पहले तुम लोग को लगाना होगा अपना मन पसंदीदा कैरेक्टर, जो कि आप ले जाओगे रैंक मैच में, जो कि एक्टिव कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है? अब वो कैरेक्टर कौन सा है, आप के ले सकते हो, क्रोनो ले सकते हो, या फिर अपना आलोक ले सकते हो, स्काइलर ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। बट अब मैं पैसिव जो बताऊंगा ना वही लगाना, वरना भाई तुम्हारा लॉन्ग कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बहुत घटिया बन जाएगा। तो सबसे पहला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में पैसिव में आपको लगाना होगा मारो कैरेक्टर। मारो कैरेक्टर वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है लॉन्ग रेंज फाइट के लिए, क्योंकि भाई लॉन्ग रेंज में ना वो डैमेज बढ़ा देता है गन्स की। लॉन्ग रेंज से अगर आप किसी एनिमी को डैमेज देते हो तो उसको ज्यादा का डैमेज पड़ेगा, जितना एक नॉर्मल गन देती है, ठीक है? उससे ज्यादा डैमेज पड़ेगा। तो ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ में आपको लगाना होगा राफेल कैरेक्टर। अब देखो यार, आप लोग लॉन्ग रेंज में ना हमेशा से हाई डैमेज वाली गन यूज करते हो, मेरे को पता है एंड सभी को पता है, ठीक है? तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आप उन सारे गन्स को यूज करते हो जिनमें 4x स्कोप ऑटोमेटिक लगा होता है ना, तो क्या होता है कि उसमें ऑटोमेटिक साइलेंसर वो कैरेक्टर लगा देता है, आपको साइलेंसर ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। एंड ये कैरेक्टर बेस्ट कैरेक्टर है लॉन्ग रेंज के लिए, क्योंकि भाई आप ना कहीं से भी किसी भी एनिमी को लॉन्ग रेंज से मारोगे तो भाई उसे पता ही नहीं चलेगा कि आप मार कहां से रहे हो, एंड ऐसे में आप बहुत ही ज्यादा किल निकाल सकते हो। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी भी एक पैसिव स्किल बच रही है, तो उनमें क्या लगाना है तो मैं बता देता हूं। आप वहां पे तीन कैरेक्टर को लगा सकते हो, आप चाहो मैक्सिम लगा लो, चाहे लोकेटर लगा लो, एंड चाहे आप कोई अपना फेवरेट कैरेक्टर लगा लो, अल्वारो लगा लो। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हयाटो लगाना, क्योंकि यार देखो, जब एनिमी आपको डैमेज देगा ना तो हयाटो क्या करता है, जैसे ही आपको डैमेज दिया एनिमी ने तो वो डैमेज और बढ़ा देगा आपके गन्स का। तो मतलब आपका गन्स का जो डैमेज होगा ना वो हयाटो और मारो मिलकर बहुत ही ज्यादा कर देंगे। तो ऐसे में यहाँ पे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन निकल के ये आ रहा है कि अगर आप के कैरेक्टर लगाते हो उसी के साथ में आप राफेल लगाओगे, एंड यहाँ पे आप लगाओगे मारो कैरेक्टर, उसी के साथ में आप हयाटो लगाओगे, तो ये हो जाता है एक लॉन्ग रेंज के लिए सबसे परफेक्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। तो अब बात करते हैं शॉर्ट रेंज फाइट्स के लिए, ठीक है? शॉर्ट रेंज में आप कैसे बेनिफिट उठा सकते हो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का, एंड कौन से कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है जो कि आपको शॉर्ट रेंज में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देंगे। इस चीज को समझने के लिए हमें एक चीज पहले समझना होगा, क्या मैं बताता हूँ ध्यान से सुनो। यहाँ पे क्या आपको समझना है कि देखो, शॉर्ट रेंज में ना अगर कोई एनिमी आपको ज्यादा डैमेज दे देता है तब क्या होता है कि भाई आप वहां पे मर ही जाते हो, क्योंकि ज्यादा डैमेज देने के बाद आपको एनिमी आपके ऊपर रश कर देता है, जिसकी वजह से आप फाइट नहीं ले पाते और वो एनिमी आपको मार के चला जाता है। तो यार ऐसे में क्या हुआ, HP हमारे पास नहीं थी इसलिए हम मरे। तो यार इसलिए मैं आपको शॉर्ट रेंज में एक ऐसा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं जिसकी मदद से अगर एनिमी आपके ऊपर कभी भी रश करेगा ना तो आप सीधे अपना पूरा HP रिकवर कर लोगे तुरंत से, एंड फिर आप एकदम अच्छे से किसी भी एनिमी से फाइट लेके उसे मार सकते हो। इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है, बस आपको जो जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ वही वही यूज कर लेना है। सबसे पहले आपको साइनी कैरेक्टर लगाना होगा, भाई इसका नाम मेरे को नहीं पता, तो भाई जिसको पता है कमेंट करके बताना, हिंदी में लिखना, ठीक है? साइनी के साथ आपको लगाना होगा यहाँ पे लुकेटर कैरेक्टर। अब लुकेटर कैरेक्टर भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड ये HP बना देता है, मतलब HP बढ़ा देता है अगर किसी एनिमी को मारते हो। अब ये सब तुम लोग को पता ही है तो क्या ही बताऊं, ठीक है? एंड उसके साथ में आपको पता है क्या लगाना है, आपको लगाना होगा यहाँ पे एंटोनियो कैरेक्टर। अब एंटोनियो कैरेक्टर उतरते ही आपको 240 HP देता है, एक्स्ट्रा नहीं देता, मतलब 40 बढ़ा देता है, ठीक है? तो वो भी बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। एंड उसके साथ में आपको लगाना होगा हयातो कैरेक्टर। अब देखो यार, अगर कोई एनिमी आपके ऊपर रश कर रहा है, आपने HP तो बढ़ा लिया लेकिन आपका डैमेज ही गन से ना निकले तो क्या मतलब है, तो इसलिए आपको हयातो कैरेक्टर लगाना है, जैसे कि जो भी आपके ऊपर रश करेगा आप उसे बहुत ही इजीली मार पाओगे बहुत ही जल्दी।
ओके तो यार अब जाओ यार, अब मैं कैरेक्टर कॉम्बिनेशन नहीं बताने वाला, क्योंकि जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लास्ट में बच रहा है स्पेशल कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, वो एक वीडियो में है एंड वो वीडियो में ही आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा, क्योंकि भाई वो वीडियो रैंक पुशिंग टिप्स के ऊपर है। एंड अगर आप उस वीडियो को देखोगे ना तो वहाँ पे उस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का फुल्ली गेम प्ले करके मैंने बताया है कि कैसे वो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आपको पूरा हेल्प करेगा। तो यार उसके वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा एंड यहाँ पे आपको एंड में भी मिल जाएगी, तो देखना मत भूलना, स्पेशल कैरेक्टर कॉम्बिनेशन उसी में है एंड उसी में रैंक पुशिंग टिप्स भी आपको मिल जाएंगी। तो यार बस छोटी सी वीडियो थी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, जो कि तुम लोग करोगे नहीं मेरे को पता है, एंड चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, मुझे ये भी पता है कि नहीं करोगे, लेकिन हाँ अगर कर सकते हो तो कर देना यार। एंड बस यार मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no.